पेरिस ओलंपिक्स 2024 मनु भाकर ने वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब मनु और सरबजोत सिंह की मिक्स्ड टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में एक और ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया। भारत खेल में आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है। पर आज की कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिन्होंने गोल्ड जीता लेकिन आज वो सब्जी बेचने को मजबूर है। ये सुनने में अजीब और दुखद लगता है ना, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के प्रवीण सैनी की। मार्शल आर्ट्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सब्जी की दुकान चलाता है। पर आखिर क्यों, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, चलिए हम आपको ये पूरी कहानी सुनाते हैं। प्रवीण ने साल 1999 में मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया और 2002 में मुंबई में इंटरनेशनल कूडो चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। फिर साल आया 2005, उन्होंने गोल्ड भी जीते लेकिन इसके बावजूद उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। उनके सारे मेडल और सर्टिफिकेट्स अब उनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रवीण की कहानी सिर्फ उनके खेलों तक ही सीमित नहीं है। 2009 में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बच्चे की जान बचाई थी जो नहर में डूब रहा था। प्रवीण ने एक बार साइकिल सवार की जान बचाने के लिए टेम्पो के पीछे 1 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई थी, फिर भी उन्हें सरकार से कोई मदद या सम्मान नहीं मिला। अब प्रवीण सैनी सब्जी की दुकान चला रहे हैं क्योंकि उनके पिता की तबीयत खराब रहती है और परिवार को चलाना मुश्किल हो गया है। प्रवीण का कहना है कि सरकारी नौकरी मिलती तो वो अपने खेलों को जारी रखते और देश का नाम और भी रोशन करते। मेरा नाम प्रवीण सैनी है और मैं रहने वाला सहारनपुर जिले से हूँ। प्रवीण भाई, आज आप सब्जी बेच रहे हैं लेकिन आपने गोल्ड मेडल जी, ये बात सही है। मैंने डिस्ट्रिक्ट से ले कर इंटरनेशनल तक गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कोई भी हो, जिले के अंदर हो या उत्तर प्रदेश के अंदर हो, कोई नहीं बढ़ सकता आगे। क्यों, जिसकी बैक सपोर्ट होगी वो खिलाड़ी आगे निकल जाएगा। मगर हमें इंटरनेशनल में लड़ा, गोल्ड मेडल जीता 2005 में, 2002 में सिल्वर मेडल रहा। एसडी इंटर कॉलेज के माध्यम से मैं जिले में जूडो में प्रथम स्थान गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद मैंने बच्चों को जूडो कराटे सिखाने का काम किया और निःशुल्क प्रदान किया। जिस प्रकार मैं लोगों की जाने बचाई, मैंने ये नहीं है मेरा मकसद जो मैंने जूडो कराटे सिखाए मैं किसी की मदद ना कर पाऊँ। मैंने गरीब लोगों का एक्सीडेंट में जाने बचाई, डूबते हुए व्यक्ति को जान बचाई। उसके माध्यम से मुझे यहाँ जिले से लेकर प्रदेश तक के अवार्ड भी मिले, जो कि मेरा जिले स्तर पर डीएम साहब ने संस्तुति करके उत्तर प्रदेश शासन को जीवन मुक्त पदक के लिए संस्तुति की। मगर अभी तक उत्तर प्रदेश शासन ने मुझे कोई पुरस्कार नहीं दिया। अच्छा, अगर बात करें आपने कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी और कहाँ तक वो बच्चे पहुँचे हैं? देखो, मैंने कई हजार बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका। मैं देने के बाद कुछ बच्चों का जैसे ट्रेनिंग में निकल जाते हैं, कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है ये तो पता नहीं लगता। मगर कुछ बच्चों से हमारी बात भी होती है। एक लड़का है हमारा बीएसएफ में एसआई है, एक स्टूडेंट है हमारा नायब तहसीलदार है, दूसरा एसडीएम है। तो आज मैं तो सोच रहा भाई बड़े स्तर तक पहुँचे, अधिकारी बने, हम भले सब्जी बेच रहे, मतलब बच्चे अच्छी जगह पहुंचेंगे, नाम तो हमारा ही होगा। आपने गोल्ड मेडल तक जीता है लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई मदद राहत मिली आपको? सरकार की तरफ से ना कोई मदद नहीं मिल पाई। कौन से साल में आपने गोल्ड मेडल? 2002 में मैंने सिल्वर मेडल बॉम्बे से जीता इंटरनेशनल, 2005 में मैंने गोल्ड मेडल जीता, बॉम्बे से जीता था मैं। और स्टेट लेवल में मैं शामली से रहा, नेशनल सहारनपुर से जीता मैंने, और जिले में तो कई सारे जिले हो, काफ़ी गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, काफ़ी जिलों से मैं गोल्ड मेडल भी रहा, सिल्वर भी रहा। जरूरी नहीं है गोल्ड नहीं रहा, सिल्वर भी रहा। संघर्ष और सपनों की कहानी है जहां एक गोल्ड मेडलिस्ट को अपने परिवार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपके पास ऐसी भी कोई कहानी है तो हम तक जरूर पहुंचाएं।